ने मुझे हंसा दिया। यहाँ मैंने मिर्च का अचार बनाया है, अभी शेयर करूंगी मैं आप लोग के साथ। तो यहाँ सुबह में धूप आती है तो मैंने रख दिया है, तो अभी हटा लूंगी इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। जो लोग भी देखते हैं प्लीज़ बताया कीजिए आप लोग को कैसा लग रहा है, और आगे मैं और क्या क्या ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँ आप ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने, और जो मेरी लाइफ है मैं वही दिखाती हूँ, और जो भी है रियल दिखाती हूँ, कुछ फेक नहीं दिखाती हूँ, और अच्छे से दिखाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आता होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करें। और इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट और देते रहिए, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आज मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बैठ के बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और अभी मैंने आज जो है आज मेरी बाल धुले हैं, देख सकते हैं। तो आज मैंने बाल धुले, कल थर्सडे था, नहीं धोते हमारे यहाँ। तो आज मैंने बाल धुले, अभी गीले ही हैं, और नहा धो के सारा काम भी हो गया। आज थोड़ा मैं लेट हो गई क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी, तो अभी तो बहुत टाइम से कोरोना था तो मैं खुद ही सारा काम कर रही थी। लेकिन अभी मैंने ये जनवरी से ही हेल्पर रखा है, तो वो आज छुट्टी पे है, उसके यहाँ कोई बीमार हो गया था तो इसलिए वो आज छुट्टी पे थी। तो आज मुझे लेट हो गया सारा काम करने में, निपटाने में। तो अभी मैं नहाई हूँ सारा काम करके, और फिर अब मेरे को लंच बनाना है। और लंच में देखिए क्या बनाती हूँ आज। मैंने सोचा है चना दाल लौकी बनाऊँगी, और देखिए क्या मैंने सुबह नाश्ते में मैंने मटर की घूनी बनाई थी फ्राई करके, पर मैंने वीडियो नहीं शूट किया है। इसका वीडियो है पहले से मेरे चैनल पे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था नाश्ते में, क्योंकि अभी मटर सीजन है, जाने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और खा लेते हैं बस। अब बहुत अच्छी मटर आज लाए थे, कल मैं गई थी थोड़ा बाहर तो मैं लाई थी, तो बहुत मीठी मटर थी, जो थोड़ी मीठी होती है ना, पेंसिल वाली इसको बोलते हैं, ये पुणे की होती है पेंसिल मटर, वो बहुत मीठी होती है। तो उसका ही घूंघनी अच्छा लगता है, अगर वो मटर घूंघनी बोलिए, मटर फ्राई बोलिए। तो थोड़ा सा है मैं पिक है तो मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो वही बनाई थी ब्रेकफास्ट में, आज मैंने लंच में देखिए क्या बनाती हूँ सोचा है तो आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी आज मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, काफ़ी दिन से वही कलर था तो मैंने सोचा चलो आज नेल पेंट लगा लेती हूँ। और अभी आरिका है नहीं, बाहर गई है पापा के साथ, तो आज फाइनल उसका काम होने वाला है, जो हमने बताया था थोड़े दिन पहले आपको कि मतलब बहुत दिनों से पेंडिंग था वो वाला काम हो चुका है। तो आज उसका जो है पासपोर्ट में नेम चेंज कराया था और रिन्यू भी कराया था, तो वो आज फाइनल हो जाएगा। तो बहुत मतलब चलो अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो मैंने सोचा वो नहीं है तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि जब वो होती है तो सबसे पहले मम्मा मुझे लगाओ, तो मतलब इतना डिस्टर्ब करती है, लगता है गिर नहीं जाए नेल पेंट। तो मैंने सोचा अभी नहीं है तो फ़ायदा उठा लो, मैंने फिर दोनों हाथों में देख सकते हैं इसमें भी। और ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, और ये लैक्मी का है, लैक्मी एब्सोल्यूट का है, और एक बार लगाने के बाद बिल्कुल भी बहुत दिनों के बाद जाता है, तो ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है। और अगर मैंने ऑनलाइन लिया था शायद, पर लिंक विंक नहीं है मेरे पास, बहुत दिन पहले लिया था, क्योंकि ये तो बहुत दिन चल जाती है। और मैं अपने नेल पेंट सब फ्रिज में ही रखती हूँ तो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो आप कब अगर आपको नहीं पता हो तो अगर नेल पेंट आप फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, और बाहर रखते हैं तो सूख जाती है। यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, अभी तो क्या विंटर्स हैं, तो बहुत लंबी बात हो गई है मैंने की है आप लोगों से बहुत सारी बातें, क्योंकि आज आरिका नहीं है तो मम्मा को बोलने का मौका मिल गया है। तो अभी मेरे हेयर पता है आपको मतलब इतने बड़े मेरे हेयर कभी नहीं थे, अगर आप पहले की फ़ोटो आप देखेंगे मेरे तो मेरे हेयर बस यहाँ तक के ही होते थे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से लंबे कर लेती हूँ, अच्छे लगेंगे लंबे भी,
लंबे करके देखती हूँ कि जो है पहले जो है मैं कभी भी लंबे, क्योंकि आरिका को भी बहुत पसंद है लंबे बाल, तो आरिका बोलती नहीं मम्मा लंबे अच्छे हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है लंबे अच्छे हैं तो मैं भी लंबे कर लेती हूँ आरिका की तरह, तो मेरे आरिका के लंबे बाल हो गए हैं, तो अभी आज मैंने धोया है। और चलिए चलती हूँ अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, और बना लेती हूँ मैं लंच। लंच में बना के फिर आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या बनाया है। मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से किचन में क्योंकि हम लोग का ज़्यादा टाइम तो बीतता है किचन में ही। और फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे मैंने ये मटर आलू की घोनी बनाई थी, इसकी रेसिपी का लिंक डाल दूँगी मैं। यहाँ पे चना दाल लौकी बनाया था मैंने और राइस और रोटी बनाया था। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मलाई निकालना है मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मलाई पड़ी है। अगर आप देख सकते हैं आप कितनी मोटी मलाई है। अगर इसके लिए क्या करना होता है कि अगर आप ऐसी अच्छी मोटी मलाई डालना चाहते हैं तो आपको दूध को गर्म करके, मैं आपको खुद से दिखाती हूँ, गरम करके फिर उसको टच नहीं करना है। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो हमें फ्रिज में रख देना चाहिए, और उसके बाद अगले दिन पूरे नाइट, होल नाइट आप रहने दीजिए। सुबह में आप देखिए तो कितनी अच्छी मलाई बनेगी। देखिए चमचे से दिखाती हूँ, ये 2 किलो दूध है, उसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी मलाई बनी है। तो इस तरह से अगर आप स्टोर करेंगे तो यहाँ पर मैं फिर अपने डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ इस मलाई को। तो मलाई अगर आप इस तरह से बहुत अच्छी मलाई दूध में लाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूध को पहले गर्म कीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए, फिर फ्रिज में रखिए, और उसके बाद फिर आप अगले दिन उसकी मलाई निकालिए। बीच में दूध को टच नहीं करना है। देखती हूँ मैं किचन में, मुझे मशीन भी लगाना है तो मैं मशीन आ गई हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। तो कपड़े फिर मैं लास्ट में ही धुलती हूँ क्योंकि सारे काम हो जाते हैं, फिर मशीन में डाल देते हैं, फिर हो जाते हैं फिर हम डाल देते हैं। मैं स्टार्ट कर देती हूँ मशीन को। वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, लोगों ने देखा ही है यहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है अपनी बालकनी में। यहाँ मैंने मिर्च का अचार बनाया है, अभी शेयर करूँगी मैं आप लोग के साथ। तो यहाँ सुबह में धूप आती है तो मैंने रख दिया है, तो अभी हटा लूँगी इसको। यहाँ पे मैंने मटर छील के रख दी, देख सकते कितनी ताज़ी मटर है, बहुत ही मीठी थी तो बस इसलिए इसका बहुत अच्छा बनता है, जो बहुत ताज़ी मटर थी तो ये मैंने छील के रख दिया है, तो यूज करने में आसानी रहती है। एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में कर देते हैं। तो इस भिगो दिया है कुकर में, बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स मेरा लंच हो चुका है, तो लंच में मैंने बनाया था लौकी, चने की दाल, राइस, रोटी और सब्जी। तो बस वो हम अब लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आफ्टर लंच मैंने बनाया है ये हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसका रेसिपी मैं जल्द ही लाने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो बने रहिएगा। तो अभी मैं पी लेती हूँ ग्रीन टी, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिप्टन का ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मैंने पानी को गर्म कर लिया है और इसके अंदर पानी को मैं डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा होने के बाद यहाँ पे मैं, गुड़ ख़त्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने लगी, तो मैं गुड़ को कट करके एक दूसरे डिब्बे में भर लेती हूँ क्योंकि गुड़ की चाय आजकल मैं बनाती हूँ, यहाँ ऐसा ही गुड़ मिलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें।